120 किलो वेट कैटेगरी में, छोटा से छोटा वजन 35 किलो। और नेशनल में अब तक कितने आपके पास? हमारे पास से नेशनल इंटरनेशनल में तक पहलवान है यहाँ पे। हमारे लाला तालीम में भी है, जो हमारे देवी सिंह पहलवान है जो इंटरनेशनल है, और एक किशन सिंह पहलवान है, उन्हीं के भाई है, ये भी इंटरनेशनल पहलवान है। चंदन सिंह है, परवेश सिंह है। और हमें आज जो हमारे जो ये दंगल जो आप देख रहे हैं, हमें जो मार्गदर्शन दिए सवाले, हम सबको मार्गदर्शन दिए सवाले हमारे पी महेश गौड पहलवान, जिन इन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पे है। और इसमें जो हमारे जो लाला तालीम से बहुत सारे पहलवान नेशनल जा चुके हैं, 100 में मेडल लगा चुके हैं। और हमारे जो और एक नीलेश सिंह गब्बर पहलवान बोल के, अभी वो दिल्ली में है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लगातार 3 बार स्कूल नेशनल में मेडल लगा चुके हैं। देखिए, मैं मेरे बहुत सारे वीडियो है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, गवर्नमेंट से मैं अपील कर चुका हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं बहुत बार अपील कर चुका हूँ, हर बार अपील करता हूँ। और ये सिर्फ मैं लाला तालीम का हूँ, लाला तालीम के लिए नहीं, मैं पूरे पहलवानों के लिए, जितने भी जो पहलवान अखाड़े हैं, इन सभी के लिए मैं तेलंगाना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट ने दूसरे स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे अच्छे वैकेंसीज निकाले हैं, स्पोर्ट्स कोटा निकाले हैं, लेकिन रेसलिंग के लिए आज आप देख सकते हैं, रेसलिंग में पहलवान इंटरनेशनल मेडल लगा रहा है। अभी हाल ही में हुई अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना निखिल सिंह पहलवान, जो अर्जुन पहलवान के तालीम से निखिल यादव, अर्जुन पहलवान के नवासे हैं निखिल यादव पहलवान ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लगाया है। ये हमारे लिए, पूरे तेलंगाना के लिए, उससे पहले सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए गर्व की बात है। जो हमारा बच्चा एक भाग्यनगर हैदराबाद से निकल के, तेलंगाना से निकल के इटाली में विदेश में जाकर जो मेडल लेके आया है हमारे तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है पहलवानों के लिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इससे पहले भी मैं कई बार विनती कर चुका हूँ, अब तो जागो बच्चे। हमारे पास दो दो तीन तीन इंटरनेशनल पहलवान है, वर्ल्ड में मेडल लेके आए हैं, आखिर कब तो भी जागेगी सरकार, ये हमें नहीं पता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तेलंगाना सरकार से, रेसलिंग स्पोर्ट्स के लिए आप आगे आइए, स्पोर्ट्स कोटा बनाइए, वैकेंसीज निकालिए। आप देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं तेलंगाना की जनता, कि दूसरे स्पोर्ट्स को जय श्री राम। लाला केसरी 2022 का आज का फाइनल का कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले तो जो हमारे मीडिया के जो हमारे भाई पधारे हैं, हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आए हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं लाला तालीम कमेटी की ओर से। ये लाला केसरी दंगल जो है, काफ़ी बहुत पुराना दंगल है, 100 साल के ऊपर हो गया ये दंगल होते हुए, इसको केसरी में बदला गया है, इसको गुरुज केसरी माने जो गुरुज रहता है वो गुरुज में बदल के 50 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। ये लाला केसरी दंगल अभी तक कभी नहीं रुका है। ये 2020 में और 2021 में कोरोना वायरस के कारण ये दंगल को रद्द किया गया था, लेकिन अब 2022 में आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में ये जो दर्शकगण कुश्ती देखने आए हैं, और इसमें 350 से भी अधिक पहलवान, 350 से भी अधिक पहलवान भाग लिए हैं। तो मैं सभी उस्ताद खलीफाओं को और दर्शकों को और सभी पहलवानों को, जितने भी पहलवान यहाँ पे कंपटीशन में जो भाग ले रहे हैं, उन सभी पहलवानों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो लाला केसरी है, ये लाला केसरी स्वतंत्र सेनानियों से होते आ रही है, ये केसरी को फ्रीडम फाइटर, ये जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, फ्रीडम फाइटर जब से ये केसरी होते आती है, ये बहुत ही पारंपरिक दंगल है। और इसी परंपरा को हम जारी रखते हुए, हम यही परंपरा को, हम सभी हमारे कमेटी मेम्बर्स आप जो देख रहे हैं, ये कमेटी मेंबर्स इसी परंपरा को हम जब तक हमारे में जान है, जब तक लाला पहलवान श्री बालाजी पहलवान का आशीर्वाद है, हम इसको आगे लेके जाएंगे। कितने साल तक आपके पास है? 12 साल। ये
एज, ये एज अंडर 14, अंडर 14 से लेके अब ऊपर अब 120 तक जो पहलवान जो रहता है, इसमें एज नहीं रहती है। पहली बात तो बच्चों में एज रहती है, छोटे बच्चन में, माने अभी ये वजन है 35 kg, 35 kg में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 23, इस प्रकार के ये जो वेट लगाए जाते हैं। एक सौ बीस किलो वेट कैटेगरी में, छोटा से छोटा वजन 35 kg। और नेशनल में अब तक कितने पास? हमारे पास से नेशनल इंटरनेशनल में तक पहलवान है। यहाँ पे हमारे लाला तालीम में भी है, जो हमारे देवी सिंह पहलवान है जो इंटरनेशनल है, और एक किशन सिंह पहलवान है, उन्हीं के भाई है, ये भी इंटरनेशनल पहलवान है, चंदन सिंह है, परवेज सिंह है। और हमें आज जो हमारे जो ये दंगल जो आप देख रहे हैं, हमें जो मार्गदर्शन दिए सवाल है, हम सबको मार्गदर्शन दिए सवाल है हमारे पी महेश गौड़ पहलवान, जिन्हें इन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पे है। और इसमें जो हमारे जो लाला तालीम Thank you.